हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार 2021 में वैसे तो बहुत सारे इंडियन शोज आए, बहुत सारी मूवीज़ आई है, लेकिन कुछ ही ऐसी है जिसको IMDb में हाईएस्ट रेटिंग मिली है। और ये जब लिस्ट मैंने चेकआउट किया था तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं खुद शॉक्ड हो गया, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ है जिसको मैंने रिव्यू तक नहीं किया है। तो आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फिर उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सी नंबर 1 पे होना चाहिए थी और कौन सी नंबर 7 पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 7 की, जो कि है साइलेंस। ये Z5 पर रिलीज़ हुई थी मूवी। इसमें हमें मनोज बाजपेयी और प्राची देसाई नज़र आई थी। मूवी की कहानी शुरू होती है एक हाई प्रोफाइल मर्डर से, जहां पर एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं ACP अविनाश वर्मा और उनकी टीम। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना ही कह सकता कि ये मूवी 2021 की उन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मूवीज़ में से एक थी, जिनके बारे में लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि ये मूवी हमें उम्मीद से दुगना दे देगी। खैर, IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.5। सो नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर पे है MX Player पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज, जिसका नाम था चक्रव्यूह इंस्पेक्टर वीरकर। अब इसमें टोटल आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे के। और शो की कहानी बेस्ड ऑन द नावल ऑफ एंटी सोशल नेटवर्क। कहानी शुरू होती है एक कॉलेज स्टूडेंट के मर्डर से, और उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं इंस्पेक्टर वीरकर। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। IMDb पे इस शो की रेटिंग 6.8, और आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा तो भाई चेकआउट कर लो। तो यार 5th नंबर पर है द वाइट टाइगर। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाती है। इसमें हमें नज़र आते हैं आदर्श गौरव, प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव। कहानी फोकस करती है बलराम हलवाई पे, जो कि एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके गांव में लिटरली कुछ भी नहीं है, इवन हॉस्पिटल तक नहीं होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बलराम डिसाइड करता है अपने ही गांव के लैंडलॉर्ड के बेटे का ड्राइवर बनना। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 7.2, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये उन मूवीज़ में से एक है जो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से वेल रिसर्च करके बनाया था, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली थी जो मतलब आउटस्टैंडिंग थी। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई आदर्श गौरव, दिस मैन हैज नेल्ड इट। पूरी मूवी में भाई जो बॉल परफॉर्मेंस किया, इवन राजकुमार राव भी इनके सामने पानी कम चाय नजर आए थे इस पर्टिकुलर मूवी में। 4th नंबर पे है नेटफ्लिक्स की एक और मूवी पगलेट, जो कि कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई थी। मूवी में हमें नज़र आती है सानिया मल्होत्रा मेन लीड में, और मूवी की कहानी फोकस करती है एक यंग लड़की संध्या पे, जिसके हस्बैंड की हो जाती है डेथ। अब डेथ होने के बाद संध्या के लाइफ में क्या कुछ होता है, कैसे 13वीं तक इनके घर में क्या कुछ चलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पगलेट मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी का रिव्यू ना करने का एक ही रीज़न था कि ये मूवी मुझे ओके टाइप लगी थी, ना ही ज़्यादा बेटर लगी थी ना ही वर्स्ट लगी थी, तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे ऑडियंस को ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जो वाकई में वर्थ वॉच है। लेकिन जब मैं IMDb पे देखता हूँ तो इस मूवी को 7.1 की रेटिंग मिली है। तो अब ये रेटिंग मिली कैसे, किसको ये मूवी इतनी ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आप उन ऑडियंस में से एक हो जिन्होंने पगलेट मूवी को चेकआउट किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और 3rd नंबर पर है चाचा विधायक है हमारे सीज़न 2। इसमें टोटल आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और कहानी एग्जैक्ट सीज़न 1 के बाद स्टार्ट होती है, जहां पर रॉनी को अब एक पार्टी की टिकट चाहिए और वो इसी के जुगाड़ में लगे हुए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रॉनी की लाइफ में आ जाता है रोड़ा बन के विकी। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। यार कभी कभी अफसोस होता है कि हम लोग टाइम ना होने की वजह से कुछ पर्टिकुलर शोज़ का रिव्यू नहीं कर पाते, क्योंकि यार रिव्यू करने के बाद एडिट ये वो बहुत सारे तामझाम होते हैं, फिर टाइम होना चाहिए, तुरंत देखकर रिव्यू करने में ही व्यूज मिलते हैं। बाद में अगर आप 3-4 दिन के बाद वीडियो डालो तो नए यूट्यूबर्स को कोई नहीं देखता। तो मैंने तो ये शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो ये आप लोग देख सकते हो। IMDb ने इस शो को रेटिंग दी है 7.8 की। नंबर 2 पे है द मैरिड वूमेन। ये शो आपको अल्ट बालाजी ऐप पर देखने को मिल जाता है। 1 महीने पहले शायद ये रिलीज हुआ था। इसमें टोटल 11 एपिसोड्स है, और कहानी फोकस करती है आस्था पे, जो कि एक मैरिड वूमेन है। शादी होने के बाद कुछ दिनों तक तो सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही थी, लेकिन उसके बाद आस्था को ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड का प्यार उसके लिए अब धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ऐसे में आस्था की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको द मैरिड वूमेन देखनी पड़ेगी। यार ये मेरे लिए उन शोज में से एक था जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं लगा था, क्योंकि यार अल्ट बालाजी के जितने भी शोज होते हैं वो एकदम नील बट्टे सन्नाटा, जीरो, एकदम
थरक से भरपूर होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर शो का जो एग्जीबिशन था और जो शो कहना चाह रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और मिला के देखा तो यार मैरिड वुमेन वाकई में एक वॉचेबल शो था। IMDb पे इसको 8.1 की रेटिंग मिली है, क्या आप लोग सोच सकते हो? तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो भाई तुरंत जाके देख लेना। और नंबर वन स्पॉट पे है एक मलयालम मूवी जो कि आपको Amazon प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाती है। मूवी का नाम है Drishyam 2। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। खैर मूवी की कहानी फोकस करती एग्जैक्ट Drishyam 1 यानी कि पहली मूवी के 6 साल बाद, जहाँ पर जॉर्ज कुट्टी अभी भी वो केबल वाला ही बिजनेस चलाते, लेकिन साथ साथ वो एक प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। और जॉर्ज कुट्टी की फैमिली किसी भी तरह से पुरानी सारी चीज़ें भूल के एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, कह सकते हैं ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिसके बाद जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको Drishyam 2 मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार ये हिंदी में रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन पूरे इंडिया में जितने लोग साउथ की मूवीज देखना पसंद करती है, जितने लोगों ने Drishyam Part 1 देखा था, तो उनको पता है कि किस लेवल की फ्रेंचाइज है। तो उन सभी लोगों ने Drishyam 2 देखा और किसी को भी ये मूवी खराब नहीं लगी। इवन ये मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो इतना औसम है, इतना औसम है कि अगर 2021 अगर इंडिया की कोई बेस्ट मूवी हो जिसका क्लाइमेक्स आउटस्टैंडिंग हो तो मैं Drishyam 2 के लिए ही बोलूँगा। मतलब इतना अनबिलीवेबल क्लाइमेक्स मैंने किसी मूवी का देखा ही नहीं 2021 में, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 8.7। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस भी पसंद आते तो यार मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन बनाने में मजा आता है। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आप लोग इंजॉय किए होंगे। नहीं इंजॉय किए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।